सो हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है शाहनवाज और आज की इस वीडियो में मैं बात करने लगूँ फिनलैंड के वर्क वीज़ा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस टर्म पर आपके पास एक गोल्डन चांस, अगर आप फिनलैंड में मूव करना चाहते हैं, फिनलैंड का वर्क वीज़ा हासिल करना चाहते हैं, तो ये वीडियो स्पेशल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको बताने लगूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, किस तरह से आप फिनलैंड का वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, कितना यहाँ पर आपका पैसा लगने वाला है और क्या यहाँ पर एज लिमिट होना चाहिए, और इस टाइम पर जो गाइस फिनलैंड की तरफ से जॉब्स आ रही है, कैसे आप उनको अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से इफेक्टिव जॉब पोर्टल है जहाँ पर आपको 100% रेस्पॉन्स मिलने वाला, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखते रहना, एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो, पहली बार विजिट किए हो, तो जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ पर बात करते हैं फिनलैंड कंट्री के बारे में। फिनलैंड एक यूरोप का बहुत ही छोटा सा कंट्री है जिसका बॉर्डर रशिया एंड स्वीडन के साथ में टच होते हैं। तो गाइस स्वीडन की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है फिनिश एंड स्वेडिश, और यहाँ का जो करेंसी है वो है यूरो। जी हाँ दोस्तों, एक यूरो की कीमत अगर हम बात करें इंडियन रुपीज़ से कन्वर्ट करें तो इस टाइम पर समथिंग 85 रुपीज़ बैठती है। दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारी वैकेंसीज आ रही निकल कर सामने, जिनमें अगर आप चाहते तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, अगर आप यूरोप में मूव करना चाहते तो आपके पास बहुत ही अच्छा चांस है। दोस्तों अगर आप कनाडा के लिए अप्लाई करते हो, यूके, यूएसए, ऐसी बड़ी बड़ी कंट्री में अगर आप अप्लाई करते हैं जॉब के लिए, तो यहाँ पर काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है जॉब फाइंड करने में, क्योंकि इन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा कंपटीशन। आपने देखा होगा इंडियन, नेपाली, बांग्लादेशी एंड पाकिस्तानी, काफ़ी ऐसे लोग हैं जो इन बड़े बड़े कंट्री में मूव करना चाहते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है यहाँ पर जॉब मिलना, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों ये आपके पास बहुत ही अच्छा चांस है, अगर आप यूरोप के किसी छोटे कंट्री में जॉब फाइंड करते हो, वहाँ पर आप वर्क वीज़ा अप्लाई करते हो, तो यहाँ पर एक तो सबसे पहली बात है यहाँ पर आपको कोई ज़्यादा कंपटीशन देखने के लिए नहीं मिलेगा, और जॉब बहुत आसानी से यहाँ पर आपको मिल जाएगा और वर्क वीज़ा आप हासिल कर सकते हैं। दोस्तों अगर मैं फिनलैंड की बात करूँ, यहाँ पर जो मैं आपके साथ में जॉब बताने वाला हूँ, अगर आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई करते हो और आपका यहाँ पर वर्क वीज़ा लग जाता विदाउट एजेंट, जी हाँ दोस्तों, जो मैं यहाँ पर आपको तरीका बताऊँगा, अगर आपने उसको फॉलो किया, इस तरह से आपने जॉब अप्लाई किया, तो यहाँ पर आपको 100% रिस्पॉन्स मिलने वाला और विदाउट एजेंट आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। गाइस जो चीज़ आप खुद कर सकते हो 1 लाख रुपीज़ के अंदर, वही चीज़ आप एजेंट के थ्रू जो आप कराते हो, आपने देखा होगा जो एजेंट है वो 7 लाख, 8 लाख, इवन 10 लाख रुपीज़ तक का डिमांड कर देते। दोस्तों उसमें आपका ही लॉस, अगर आप थोड़ा सा एफर्ट करें, थोड़ी सी मेहनत आप करें, थोड़ा पैशंस बना के रखें, तो जरूर 100% आपको रेस्पॉन्स मिलता है और आप ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीज़ के अंदर मूव कर सकते हैं फिनलैंड कंट्री के अंदर। दोस्तों फिनलैंड की अगर यहाँ पर बात करें, फिनलैंड बहुत ही क्लीन कंट्री है और एकदम पॉल्यूशन फ्री कंट्री है। यहाँ पर आपको बहुत ही मतलब आप जाएंगे तो ज़बरदस्त कंट्री है, यूरोप का छोटा सा कंट्री है। दोस्तों फिनलैंड के अंदर क्रिश्चियन रिलीजन के लोग बहुत ज़्यादा आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जो ऑर्थोडॉक्स है काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत ही कम पॉपुलेशन यहाँ पर है, और गाइस यहाँ पर जॉब मिलने का आपको बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो दोस्तों इस टाइम पर कौन कौन सा वैकेंसीज है और कैसा आपको अप्लाई करना है, मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप क्लीनर है, अगर आपने पहले कहीं पर भी जॉब किया, थोड़ा बहुत आपके पास में एक्सपीरियंस है, अदरवाइज आप फ्रेशर है, तो भी आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो गाइस जॉब है, कौन कौन से फील्ड से यहाँ पर जॉब है, सब कुछ मैं यहाँ पर डिटेल में आपको बताया। तो दोस्तों यहाँ पर जो जॉब इस टाइम पर निकल कर आ रही है, क्लीनर्स का जॉब है, ड्राइवर का जॉब्स है, एंड फूड डिलीवरी का जॉब है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जॉब है, लेबर जॉब है, जनरल जॉब है, और दूसरा गाइस यहाँ पर हॉस्पिटलिटी से रिलेटेड काफ़ी सारे जॉब है, वेटर्स का है, रिसेप्शनिस्ट का जॉब है, और यहाँ पर होटल मैनेजर का जॉब है, सुपरवाइज़र का जॉब है, और कंस्ट्रक्शन सुपरवाइज़र का जॉब है, और लाइट ड्राइवर का यहाँ पर जॉब है। दोस्तों इस तरह के यहाँ पर काफ़ी सारे जॉब्स अवेलेबल है, तो लेकिन ये चीज़ यहाँ पर जानना बहुत ही ज़रूरी है कैसे आपको इन जॉब के लिए अप्लाई करना है। जहाँ दोस्तों यहाँ पर आपको 1 रुपया भी किसी को भी फ़ी पे नहीं करना है, बस आपके पास सबसे पहले यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर इन जॉब्स को अप्लाई करने के लिए आपके पास में होना चाहिए एक CV एंड कवर लेटर। जो आपके पास में CV होना चाहिए वो यूरोपियन स्टैंडर्ड का होना चाहिए, अदरवाइज़ अगर आप रेगुलर CV बना के वहाँ पर जो अप्लाई करोगे, फिर उसके बाद आप बोलते कि भाई हमें कोई रेस्पॉन्स वहाँ से नहीं मिल रहा है, हम क्या करें, तो दोस्तों आपका CV इतना पावरफुल नहीं होता कि अट्रैक्ट कर सके एम्प्लॉयर को। तो दोस्तों अगर आप यूरोप के किसी भी कंट्री में जॉब अप्लाई करना चाहते हो, तो दोस्तों आपके CV में दम होना चाहिए, अगर आपके पास में यूरोपियन स्टैंडर्ड फॉर्मेट का CV है, तो दोस्तों आपको जॉब पाने में यहाँ पर 70% चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों अगर आपको यूरोपियन स्टैंडर्ड का CV एंड कवर लेटर आपको बनवाना है, तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरे इस वाले नंबर पर, ये मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है, और गाइज यहाँ पर आप कॉल मत करना क्योंकि मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाता हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे काम रहता है, मैं यहाँ पर कॉल रिसीव नहीं कर सकता हर एक बंदे की। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी भी कंट्री के वीज़ा से रिलेटेड, तो आप मुझे सिंपली यहाँ पर टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, जहाँ तक होगा मैं आपको यहाँ पर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, ठीक है, ये मेरा पर्सनल नंबर है। तो अगर आपको CV एंड कवर लेटर बनवाना है या फिर आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाना है, अगर आपके पास में एक्सपीरियंस नहीं है किसी भी कंपनी का, तो मैं यहाँ पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके लिए बना के दे सकता हूँ,
करंट अगर आपको किसी भी कंपनी से जॉब ऑफर हुआ है, अगर आपको ऑफर लेटर चेक कराना है तो आप तब भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस वाले व्हाट्सअप नंबर पर, ठीक है। तो गाइस जो CV एंड कवर लेटर बनाने का चार्जेस है वो यहाँ पर मैं 1000 रुपीज़ लेता हूँ। तो अगर आपको CV एंड कवर लेटर बनवाना है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस फिनलैंड का वर्क वीज़ा आपको कैसे अप्लाई करना है, वो भी विदाउट एजेंट, किसी भी कंसल्टेंसी के पास जाने की आपको जरूरत नहीं है, किसी भी एजेंट से आपको कॉन्टैक्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको करने का जो मैं यहाँ पर साइड आपको बताना हो, इस वीडियो के नीचे उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूँगा, वहाँ पर आपको जाना है। आपको अपना CV एंड कवर लेटर उन साइट पर जाकर सेंड कर देना जो भी आपका डिटेल है। लाइक अगर आप वेटर का जॉब पाना चाहते हैं, वेटर के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो वहाँ पर आपको वेटर के लिए अप्लाई कर देना। दोस्तों वहाँ पर आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा जैसे ही कंपनी की तरफ से आपको रेस्पॉन्स आएगा। उसके बाद गाइज आपको करना क्या है, MBC में विजिट करना है, MBC में जाना और आपको अपना वर्क परमिट का फाइल कॉन्सुलेट को जमा कर देना। वहाँ पर जो भी फी रहेगा MBC में आपको पे कर देना, ऑलमोस्ट 500-600 जो भी यूरो वहाँ पर आपको पे करना पड़ेगा, वो आपको खुद को अपनी पॉकेट से पे करना है, ठीक है। फ्लाइट टिकट आपको खुद को लेना पड़ेगा और उसके बाद में आप डायरेक्टली फिनलैंड मूव कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों इसके लिए आपको करना क्या, किसी भी एजेंट से आपको कॉन्टैक्ट करने कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप खुद से इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं एक साइट पर आपको लेकर चलता हूँ, वहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से आपको जॉब फाइंड करना है फिनलैंड के अंदर। तो चलिए दोस्तों अगर आप फिनलैंड के अंदर जॉब करना चाहते तो चलिए कुछ जॉब पोर्टल है वहाँ पर मैं आपको विजिट करा देता हूँ, वहाँ पर लेकर चलता हूँ और दिखा देता हूँ कैसे आपको जॉब के लिए अप्लाई करना। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहना, थोड़े भी आपको स्किप नहीं करना। दोस्तों अगर आप फिनलैंड में जॉब पाना चाहते हैं, किस तरह से आपको जॉब सर्च करना है, यहाँ पर मैं दो पोर्टल आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों दो वेबसाइट के बारे में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। फर्स्ट यहाँ पर आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, यह है ग्लास डोर साइड। यहाँ पर आप बहुत ही आसानी से क्लीनर से फिर कोई भी ड्राइविंग का जॉब या फिर फूड डिलीवरी का जॉब यहाँ पर आप हासिल कर सकते हैं। और दूसरी साइड यहाँ पर jobsinfinland.com, उस वाले साइट पर भी आपको बहुत सारी जॉब मिल जाएगी। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कितने सारे यहाँ पर आपको जॉब्स देखने के लिए मिल जाएंगे। गाइस जो भी आप यहाँ पर जॉब देख पा रहे हो एकदम रिसेंटली ऐड किए गए, यहाँ पर आप देख पा रहे हो 4 डेज़ ago, 11 डेज़, 5 डेज़, अभी रिसेंटली इन जॉब को यहाँ पर ऐड किया गया। दोस्तों इन जॉब को कैसे अप्लाई करना है मैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पर कोई भी एक जॉब आप यहाँ पर पिक कर सकते हैं। गाइस यहाँ पर आप देखिए जितने भी यहाँ पर जॉब है वो है हेलसिंकी के अंदर है और वांटा के अंदर है। गाइस जो हेलसिंकी है वो कैपिटल है फिनलैंड का, जैसा आपने देखा होगा इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली है, उसी तरह से हेलसिंकी फिनलैंड का कैपिटल है। तो यहाँ पर बहुत सारी जॉब है क्लीनर्स रिलेटेड। तो गाइस यहाँ पर आप चाहे तो फूड डिलीवरी बॉय का भी आपको यहाँ पर जॉब मिल जाएगा, ड्राइवर का जॉब मिल जाएगा, कंस्ट्रक्शन का जॉब मिल जाएगा, सुपरवाइजर का जॉब मिल जाएगा एंड मैनेजर का जॉब यहाँ पर आपको मिल जाएगा, होटल मैनेजर का। लेकिन जस्ट एग्जाम्पल में यहाँ पर आपको दिखाई दो क्लीनर्स का जॉब अगर आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हो कैसा आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। एंड गाइस इस जॉब के लिए फीमेल एंड मेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं और यहां पर इंग्लिश मस्ट है, यानी इंग्लिश का नॉलेज आपको होना चाहिए। गाइस आप किसी भी यूरोप कंट्री के अंदर जॉब करना चाहते हो तो आपको इंग्लिश का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है, विदाउट इंग्लिश आप यहां पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट ये जॉब है, तो चलिए एग्जाम्पल के मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ इस वाली जॉब के लिए मैं यहाँ पर अप्लाई करना चाहता हूँ, क्लीनर्स का जॉब है। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद में गाइस आप डायरेक्टली अगर चाहे तो अप्लाई यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पर कंपनी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो गाइस यहाँ पर आप देख पा रहे हो कंपनी के बारे में सब कुछ यहाँ पर बताया गया, कौन सा कंपनी भी आप यहाँ पर भी देख पा रहे हो। सेकंड होम्स ओई इस कंपनी का नाम है और यहाँ पर कंपनी की डिटेल बताई गई है। यहाँ पर नीचे तरफ से ये जॉब है, वी आर नाउ लुकिंग फॉर ए पर्सन इन चार्ज ऑफ क्लीनिंग फॉर ए फुल टाइम जॉब, यानी यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब नहीं है, फुल टाइम जॉब के लिए इनको एम्प्लॉयज़ की जरूरत है। एंड वी आर लुकिंग फॉर ए सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज पर्सन हु प्लान्स एंड ऑर्गेनाइज द वर्क फॉर द क्लीनर्स एंड मेक श्योर द क्वालिटी इज सॉलिड, यानी काम का अच्छे से आपको नॉलेज होना चाहिए। यानी ये जो तलाश कर रही है कोई ऐसा बंदा इनको चाहिए जो कि बहुत ही अच्छे से प्रॉपरली काम कर सके। एंड द पर्सन अप्लाइड स्पीक इंग्लिश एंड हैव एक्सेलेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग। गाइज यहाँ पर मैं आपको बता रहा था पहले ये चीज़ एकदम यहाँ पर इन्होंने मैंशन कर दी है, इंग्लिश स्पीकर बंदा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि यहाँ पर आपको हिंदी का नॉलेज हो आपने अप्लाई कर दिया जॉब के लिए, तो गाइज ये बिल्कुल भी नहीं चलने वाला, आपको इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए। एंड यहाँ पर आप देख पा रहे हो एक्सेलेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड टीम वर्किंग स्किल, और जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने की एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो प्रीवियस एक्सपीरियंस इन सिमिलर पोजिशन इन द अकोमोडेशन इंडस्ट्री इज ए प्लस एंड ड्राइवर्स लाइसेंस, चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए तो वेल एंड गुड है। अवर टास्क इंक्लूड, यहाँ पर आप देख पा रहे हो प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द वर्क, मेकिंग श्योर द क्लीनिंग इज डन इन टाइम एंड विद प्रॉपर क्वालिटी, डेवलपिंग द प्रोसेस एंड क्वालिटी विद द टीम, अदर ड्यूटीज वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, यानी इनको कंपनी को क्या चाहिए एम्प्लॉयज़ के अंदर जो क्वालिटी होनी चाहिए ये सारी क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। यू कैन मैनेज पीपल, यानी लोगों के साथ में आपको मैनेज करना आना चाहिए। यू आर सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज पर्सन, यू स्टैंड कंट्रोल ऑफ योर
थ्रेड एंड नर्व्स इन रैपिडली चेंजिंग सिचुएशन, यानी ऐसा बंदा इनको नहीं चाहिए, कूल माइंड बंदा इनको चाहिए, ठीक है। यू आर डायमंड प्रॉब्लम सॉल्वर एंड यू डोंट गो टो टू टो इवन इन चैलेंजिंग सिचुएशन, यू आर हैंड ऑन पर्सन। ये सारी चीज़ क्वालिटी मतलब आपके अंदर होनी चाहिए, यहाँ पर आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन चीज़ गाइज आप यहाँ पर देख पा रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबमिट योर एप्लीकेशन लेटर एंड CV, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अगर आपके पास में यूरोपियन फॉर्मेट का CV है, आपके पास में कवर लेटर है, तो आपको 70% ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं जॉब मिलने के, ठीक है। दोस्तों अगर आपके पास में नहीं है CV एंड कवर लेटर, तो आप मुझसे बनवा सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिए, ठीक है। बाद में गाइज यहाँ पर देखिए कंपनी का पूरा यहाँ पर प्रॉपरली एड्रेस दिया है, कंपनी का वेबसाइट दिया है। तो गाइज अगर आप इस जॉब के लिए डायरेक्टली अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप कंपनी की वेबसाइट पर जा सकते हैं, कंपनी का ईमेल आईडी यहाँ पर दिया हुआ है, कंपनी की ईमेल आईडी पर आप अपना डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं, रिज्यूम सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो दोस्तों कंपनी की तरफ से आपको ऑफर लेटर मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट लेटर मिलेगा, उसके बाद में गाइज आपको फिनलैंड की एम्बेसी में जाना है, जो कि न्यू दिल्ली में है, वहाँ पर आपको जाना है, अपना फाइल वहाँ पर आपको अपना केस सबमिट करना है, और वहाँ पर गाइज आपको जो फॉर्म मिलेगा आपको वर्क वीज़ा का, वो आपको वहाँ पर फिल कर देना, उसका जो भी वहाँ पर चार्जेस रहेगा 500 या फिर 400 यूरो जो भी रहेगा व्हाटएवर, आपको वहाँ पर पे कर देना है, उसके बाद आपको वहाँ पर वर्क वीज़ा मिल जाएगा, ठीक है। दोस्तों ये एक सिंपल सा प्रोसेस है, आप चाहे तो गाइज यहाँ पर अप्लाई होने पर क्लिक करके डायरेक्टली रिज्यूम यहाँ पर सेंड कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर ये काम नहीं कर रहा प्रॉपरली, नेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर ओपन नहीं कर रहा उसको। यहाँ पर आपको अप्लाई करने के लिए सिंपली अपना नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और अपना ईमेल आईडी और आपका एड्रेस यहाँ पर मेंशन कर देना, और यहाँ पर भी आपको अपना रिज्यूम सेंड कर देना है। तो दो तरीके से आप यहाँ पर अपना रिज्यूम सेंड कर सकते हैं कंपनी को। दोस्तों ये एक सिंपल सा तरीका मैंने आपको बता दिया, इस तरह से आप फ्री ऑफ कॉस्ट इन जॉब को हासिल कर सकते हैं, कोई भी एजेंट कोई भी कंसल्टेंसी के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। अगर आप दुबई रहते, सऊदी रहते, वहाँ पर आप गाइस आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, वहाँ पर आप कितना भी टाइम वेस्ट कर लीजिए, तो इससे बेटर है आप यूरोप कंट्री में मूव करिए, यहाँ पर आप लाखों रुपया कमा सकते हैं। दोस्तों 1 लाख रुपीज़ के अंदर ऑलमोस्ट सारा प्रोसीजर आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, तो जरूर से एक बार इसको ट्राई कर लेना, ठीक है। तो चलिए गाइस आई होप, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरीज है फिनलैंड वर्क वीज़ा के बारे में, तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।